नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। प्रयागराज जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत आदेश के बाद चाका के पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा की 12 अचल संपत्तियां कुर्क की जाएंगी। पुलिस से 18 सितंबर तक आख्या रिपोर्ट मांगी गई है। एक मकान और करीब 100 बीघा जमीन कुर्क की जाएंगी। फतेहगढ़ जेल में बंद औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत लवायन कला गांव निवासी दिलीप मिश्रा के खिलाफ लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस का दावा है कि दिलीप ने अपराध के जरिए करोड़ों रुपए की चल व अचल संपत्तियां बनाई हैं। कुछ दिन पहले पुलिस ने राजस्व अधिकारियों के साथ दिलीप की ऐसी संपत्तियों को चिन्हित किया था। इस बारे में SP यमुनापार चक्रेश मिश्रा ने जानकारी दी है, आइए सुनते हैं। ऊपर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी अब क्योंकि यह आदेश हो चुका है। दिलीप मिश्रा के गैंग रजिस्ट्रेशन के बाद जो गैंगस्टर एक्ट के तहत 14 की कुर्की की जब्तीकरण की कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए उनकी तमाम प्रॉपर्टीज चिन्हित की गई थी और उन्हें DM साहब के पास अनुमति के लिए भेजा गया था। वहां से अनुमति आ चुकी है। अब इनके जब्तीकरण और कुर्की की कार्रवाई इनकी संपत्ति की शीघ्र ही होगी। जो भी संपत्तियाँ अवैध ढंग से अर्जित की हुई हैं इनके द्वारा, उनकी जब्तीकरण की कार्रवाई प्रक्रिया में है और शीघ्र ही कार्रवाई पूरी हो जाएगी। कितनी कुल अभी 12 संपत्तियों पर कार्रवाई चल रही है हमारी। इसमें गैंग को इनके गैंग को जैसे मैंने बताया, गैंग की लिस्ट हमेशा अपडेट होती रहती है कि कौन कौन से सदस्य हैं जो पहले साथ में। प्रयागराज से कैलाश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।